हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज और देखेंगे बैंक निफ्टी आज का कौन सा साइड में हम जा सकता है, बाय में या सेल में, उसका ऊपर भी बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, बैंक निफ्टी है और आज पिवट पॉइंट है 26,860 एंड द फर्स्ट रेजिस्टेंस 26,950 and the second resistance 27,038 and the third resistance 27,128 and the first support 26,772, second support 26,682 and the third support 26,594। और ये हो गया आपका बैंक निफ्टी डेली चार्ट। तो उसमें देख सकते हैं बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली हायर हाई बना के जा रहा है, तो अभी एक नया हायर बनाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल में है। तो पहले आप देख सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ऊपर गया, तो रेजिस्टेंस लेवल आया, तो वहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ। तो रिट्रेसमेंट मतलब वो 50% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ से, ये एरिया से जो ये वेव है, इस वेब का 50% रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट होके जाने ऊपर फिर से मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ से मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस जो लेवल है इसको तोड़ना है, तोड़ के 27,672 तक जाना है, क्योंकि ये एक फिबोनाची का एक 123% एक्सटेंशन पॉइंट है यहाँ पे, ये एरिया जो है 123% एक्सटेंशन है। ये जो प्रीवियस वेव है इसको हम जैसे एक्स ए वेव, बी वेव, सी वेव, डी और ये लास्ट में ई वेव का कंफर्मेशन दे रहा है। तो ये जो ई वेव होता है वो बी और सी वेव का, बी सी वेव का 123% एक्सटेंशन है ये है। और यहाँ पे जो एक्सटेंशन पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे जो प्रीवियस हायर पॉइंट था, तो उसका एक हायर पॉइंट में जो रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, तो हाई कंफर्मेशन दे रहा है 123% जाने का चांसेस है। तो उसमें हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे, जिससे 1 आवर, तो 1 आवर में ये कंफर्म कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आवर में ये जो 20 मूविंग एवरेज होता है, 20 मूविंग एवरेज से फर्स्ट बाउंस बैक हुआ है ये मार्केट। तो मुझे लगता है ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही चला जाएगा और ये मार्केट ये 20 मूविंग एवरेज को बाउंस करके ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अगर 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट पे आप देख सकते हैं एक जो प्राइस कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या मार्केट गया, तो उसका बाद नीचे एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया और एक यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, राइट। तो ये इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न बना के यहाँ पे क्रॉस ब्रेकआउट करके ये भी कंफर्म कर रहा है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री कहाँ कर सकता है, तो अगर आपको एंटी करना है तो एंटी आपको एक पहले एंटी का पॉइंट हमें मिल गया है यहाँ पे, जैसे आप ये जो मैंने बताया था आपको, एक फ्लैग पैटर्न कंफर्म हुआ था यहाँ से, राइट। तो इसका एक ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट ही ओपन गैप अप में ओपन हुआ, जो रेजिस्टेंस लाइन ये डायगोनल जो रेजिस्टेंस लाइन है, डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट जब किया था तो वहाँ पे हमें एंटी मिला था। तो नेक्स्ट एंटी क्या हो सकता है, जो प्रीवियस जो हायर लेवल है इसको ब्रेकआउट करने का बाद आप ऊपर में बाय कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी मार्केट ऊपर तोड़ के वो जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का आसपास फिर से नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाने का चांसेस है। आइदर आप ये जो हायर पॉइंट है उसका ऊपर में बाय एंट्री कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लेवल आएंगे तो यहाँ से फिर से एक बाय ले सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।